अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो आज विज़िट करवाने वाली हूं आपको मैं खाड़ी की आउटलेट का, जिसमें आ गई है ईद कलेक्शन और इनकी 20% और 30% ऑफ में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत प्यारी न्यू कलेक्शन है इनकी, जो कि सेल में भी मिल रही है, विदाउट सेल में भी है, न्यू अराइवल भी है। इसमें मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी भी दिखाई है आपको, थोड़ा सा हैंडबैग भी दिखाने की कोशिश की है, लग्जरी और दोनों कलेक्शन आपको दिखाई हैं। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और कमेंट सेक्शन में आके आपने मुझे बताना है कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की देखना चाहते हैं और ये वीडियोस आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी तो ये इनकी अनस्टिच कलेक्शन थी, जिसमें आपको 3500 रुपीज़ में मिल रहे थे। इनके न्यू अराइवल थे जो कि टू पीस थे, शर्ट दुपट्टा भी थे और शर्ट ट्राउज़र भी थे और प्रिंटेड थे। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आपको मिलेंगे 3500 में। इसके अलावा जो इनके एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन थी वो आपको मिलेगी 4500 की अनस्टिच में, जो कि टू पीस भी थे, थ्री पीस भी थे। तो ये जितने भी कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ 3500 वाली दिखा रही हूँ और आगे इनकी 4500 वाली भी है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है। तो बाकी जो डिस्प्ले हुई हुई ये चीज़ें आप लोगों को वेबसाइट वगैरह पे भी मिल जाती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि न्यू अराइवल में आपको स्टिच दिखाने की कोशिश करूं, क्योंकि अब आपको पता है ईद करीब है तो सबको ये अनस्टिच की ज़रूरत होती है। तो ये जितने भी मैंने आप लोगों को डिज़ाइन दिखाए हैं सब 3500 वाले दिखाए हैं और इनके पास भरपूर कलेक्शन थी अनस्टिच की भी, स्टिच की भी। तो आप लोग जाके ज़रूर विज़िट करिए। और खाड़ी की कलेक्शन तो आपको पता ही है कि हमेशा ही अच्छी होती है, चाहे वो अनस्टिच हो या स्टिच हो। तो इनकी इस दफ़ा की स्टिच कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड थी और प्रिंटेड में भी थी। तो आप लोगों ने यहाँ जाके विज़िट करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये वाले जो इनके कुर्ते हैं ये आपको मिल रहे थे, खाली कुर्ता 3500 का मिल रहा था। इसमें आपको साइज़ मिल जाएंगे और इसका फैब्रिक लॉन था, जो कि डिटेलिंग में स्टिच हुआ हुआ था और इसमें बटन्स वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। और ये आप लोग कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे जो है, ये वाले जो थे ये आपको 2200 के मिल रहे थे। पहले वाला जो था वो 3500 का था और इसके प्राइस जो थे 2200 थे। और ये भी लॉन फैब्रिक पे था, इसमें भी सारे साइजेस अवेलेबल थे और ये भी बहुत अच्छा स्टिच हुआ हुआ था। और इसके अलावा ये जो एम्ब्रॉयडर्ड थे कुर्ते, ये आपको मिल रहे थे 4500 रुपीज़ के और ये खाली कुर्ते थे। अगर आपने इनके साथ शलवार लेनी है, इनके साथ शलवारें भी थी, तो वो अलग से सेपरेटली उनकी प्राइस थी 1200, 1800 इस तरह प्राइस थी। कुछ की 2000 भी प्राइस थी, कुछ की 2200 भी प्राइस थी। तो ये सारे प्राइस, सारे जो है प्रिंट आपको मिल जाएंगे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। प्राइजेस भी साथ साथ बता रही हूँ आप लोगों को मैं। और ये वाला जो है ये भी आपको 2200 का कुर्ता मिल रहा था और इसमें भी आपको साइजेस मिल जाएंगे। ये प्रिंटेड कुर्ता था इनका लॉन पे और ये समर के हिसाब से बहुत प्यारी चीज़ थी। और प्रिंट इनके आपको पता है खाड़ी के प्रिंट हमेशा अच्छे ही होते हैं, समर में भी विंटर में भी, लेकिन समर के प्रिंट इनके ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये वाले जो टू पीस थे ये आपको मिल रहे थे 3500 में और 3800 में। इसमें ऑफ नहीं था, ये न्यू अराइवल था और ये भी लॉन फैब्रिक पे था। तो इसमें जो है इसकी स्लीव्स बनी हुई थी और दामन बना हुआ था, जैसी स्लीव्स थी वैसे इसका दामन बना हुआ था। इसमें भी आप लोगों को साइज़ मिल जाएंगे। दुपट्टा इनके साथ जो है शेफोन का था। उसके बाद ये वाला जो ड्रेस है ये आपको मिल जाएगा और ये वाला जो है ये आपको मिल रहा था 4500 का और ये था शर्ट दुपट्टा, ये भी लॉन फैब्रिक पे था। इसमें भी बहुत प्यारी डिटेलिंग वगैरह हुई हुई थी और ये जो है सेल्फ प्रिंट पे था। इसके अलावा ये वाला आपको मिल रहा था 4500 रुपीज़ का, जो कि आपको मिल रहा था दुपट्टे के साथ ही और उसका ब्लू कलर का दुपट्टा था। ये एम्ब्रॉयडर्ड था कुर्ता और इसके साथ दुपट्टा आपको मिल रहा था। उसके बाद ये वाला कुर्ता जो है ये आपको मिल रहा था 4800 रुपीज़ का, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड था और ये खाली कुर्ता था, लॉन फैब्रिक पे था। इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड पे इसकी एम्ब्रॉयडरी थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा दिया था इन लोगों ने, ब्लू के साथ वाइट का। और इसमें भी आप लोगों को सारे साइजेस मिल जाएंगे और ये भी न्यू अराइवल में था इनकी और 4500 इसकी प्राइस थी। ये वाला जो था ये आपको मिल रहा था 4800 रुपीज़ का और ये था टू पीस, जिसके साथ आपको शेफोन का दुपट्टा मिल रहा था प्रिंटेड और ये फ्रंट पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था, इसका स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड थी। और बैग जो है इसका प्लेन था, इसका दुपट्टा जो है सॉरी लॉन का था, इसका दुपट्टा लॉन का था। आपको उसके साथ लॉन का दुपट्टा मिल जाएगा और नेकलाइन एम्ब्रॉयडर्ड थी इसकी। इसके अलावा स्लीव्स पे भी इसकी हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी, दामन पे भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी थी। और उसके अलावा ये वाला जो ड्रेस था ये आपको मिल रहा था 4800 रुपीज़ का, जो कि खाली कुर्ता था। अगर आप इसकी शलवार साथ बाय करेंगे तो वही आपको 2200 के अराउंड मिलेगी
और ये भी लॉन फैब्रिक में था। सारी मैं आपको समर कलेक्शन दिखा रही हूँ जो इनके न्यू अराइवल भी हैं और समर कलेक्शन भी है। इसके अलावा ये वाला ड्रेस जो है ये आपको मिल रहा था 4500 रुपीज़ का, जो कि खाली कुर्ता था, इसके साथ शलवारी भी थी, लेकिन इनकी शलवारें सबकी सेपरेट थी, साथ नहीं थी शलवार इनकी, मतलब कि आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी। अगर आप लोग इसकी मैचिंग का दुपट्टा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और ये इनका बैग था जो कि था 3500 रुपीज़ का। ये मैंने एक ही दिखाया क्योंकि बैग्स की कलेक्शन में अलग से अगर आप लोग बोलेंगे तो बना दूंगी। ये वाला जो था ये 7500 रुपीज़ का था, मैसूरी पे शर्ट और ट्राउज़र था, एम्ब्रॉयडर्ड था। इसका शर्ट और ट्राउज़र दोनों ही एम्ब्रॉयडर्ड थे और इनकी डिटेलिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई थी। इसकी शलवार पे भी एम्ब्रॉयडरी थी, इसके अलावा शर्ट पे भी फुल एम्ब्रॉयडरी थी, थोड़ा सा कटवर्क भी हुआ हुआ था इस पे। ये मैसूरी फैब्रिक था, मतलब ईद के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था इनका। और इसके बाद ये वाला जो है ये आपको मिल रहा था 2800 रुपीज़ का, जो कि खाली शर्ट थी और ये भी लॉन फैब्रिक पे थी। ये भी आपको खाली सिंपल शर्ट मिलेगी स्टिच प्रिंटेड। और ये वाले जो थे ये आपको 2200 की शर्ट मिल रही थी जो कि प्रिंटेड थी, लॉन फैब्रिक पे थी। इसमें भी सारे साइजेस अवेलेबल थे, हर चीज़ के प्राइजेस बता रही हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ। और ये वाला आपको मिल रहा था 5200 रुपीज़ का, जो कि 20% ऑफ पे था। और ये शर्ट दुपट्टा था लेकिन इसका फैब्रिक जो था वो विंटर था, मतलब कि खद्दर टाइप का था ये। और ये पीछे वाली शर्ट जो थी ये आपको 2200 की मिल रही थी, इसका फैब्रिक भी विंटर में था और ये भी 20% ऑफ पे लगा हुआ था। ये 20% और 30% ऑफ वाली चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि विंटर की थी। इसके अलावा ये 2200 का आपको मिल रहा था, सेल्फ प्रिंट था, लॉन फैब्रिक था। इसमें भी आपको सारे साइजेस मिल जाएंगे, कैजुअल वेयर के लिए आप लोग ये ले सकते हैं। और 2200 में स्टिच कुर्ता आपको अगर ब्रांड का मिल जाए तो और क्या चाहिए आप लोगों को। बाकी सारे एक्सल साइज़ दिखा रही हूँ आपको मैं। ये वाले जो है ये 2500 का था, ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ सारे एक्सल डबल एक्सल साइजेस दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि हमें ये साइजेस चाहिए। तो ये देख लें, ये आपको सारे प्रिंट्स इसमें मिल जाएंगे जिनकी रेंज है 2200 और 2500 रुपीज़। और इसके बाद जो है ये वाला, ये आपको मिल रहा था 3500 रुपीज़ का। अच्छा, जो स्लीव्स के इशू जिन लोगों को होता है, तो अगर आप इन लोगों को बोलेंगे स्लीव्स का तो ये आप लोगों को स्लीव्स साथ अटैच करवा के दे देंगे, और अगर नहीं करवानी तो इसके नीचे आप लोग अलग से शर्ट भी बना सकते। उसके बाद ये खाड़ी की ज्वेलरी थी, ये क्लिप था जो कि मिल रहा था आपको 350 रुपीज़ में। और ये वाले जो है बैंगल्स थी जो आपकी आपको मिल रही थी 750 रुपीज़ में। इतनी ज़्यादा खास इनकी ज्वेलरी नहीं थी, तो ज्वेलरी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, वो आप लोग लोकल मार्केट से या किसी और शीन वगैरह के ब्रांड से ले सकते हैं। तो इतनी कोई खास ज्वेलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इनकी और चीज़ें भी दिखाएं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा दूँ। छोटे छोटे कैचर्स थे, ये पोनियाँ थी, तो ये आपको 450-350 इस तरह मिल रही थी। इसके अलावा जो है आपको मिल रही थी इनकी जो है ये मालाएँ, जो कि आपको 1200-1500 इस तरह से मिल रही थी, जो पल्स में बनी हुई थी। इतनी खास नहीं थी, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि इनकी नेकलेस वगैरह या मालाएँ वगैरह मुझे तो समझ में नहीं आई थी। और इयररिंग्स भी थे इनकी, और ब्रेसलेट्स भी थी, डिफरेंट चीज़ें थी। तो इनकी प्राइस इतने ज़्यादा हाई थे, और इतनी ज़्यादा कोई अच्छी मतलब क्वालिटी तो आपको पता है ब्रांड की अच्छी होती है, लेकिन डिज़ाइन भी कोई चीज़ होती है, तो डिज़ाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आया इनकी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ, तो आप लोग देख लें, अगर समझ में आए तो आप लोग इनकी वेबसाइट से या फिर आउटलेट पर जाके विजिट करके बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग लोकल मार्केट से जाके इससे अच्छी ज्वेलरी ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये वाले मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनके प्राइस जो है 750 रुपीज़ से, जो कि इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी। अच्छा, और ज्वेलरी पे भी इन्होंने 20%, 10%, 5%, 30% ऑफ लगाई हुई थी। तो अगर आप लोगों को ऑफ में चाहिए, आप लोग खाड़ी की ज्वेलरी लाइक करते हैं, तो आप लोग ज़रूर जाएं। ये वाले जो है ये आपको 250 रुपीज़ में मिल रहे थे। बाकी जो है आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अभी आगे चल के मैं आप लोगों को इनकी और चीज़ें दिखा देती हूँ जो कि अच्छी लगी थी मुझे। ये देखें, ये मालाएँ जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, ये आपको 1800, 2200, 2000 रुपीज़ की मिल रही थी। अच्छा, इन पे ऑफ नहीं लगी हुई थी, जो पीछे मैंने ज्वेलरी दिखाई है उस पे ऑफ लगी हुई थी। तो ये मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सी दिखाई है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर आप लोग को समझ में आती हैं। सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो अगर आप लोग खाड़ी की ज्वेलरी को लाइक करते हैं तो आप लोग पहन लें, तो ये देख लीजिए और आप लोग जाके बाय भी कर सकते हैं। तो मैंने प्राइजेस भी इनके साथ साथ बता दिए हैं, और आप लोगों को ये भी बता दिए इन पे कितना ऑफ़ है कितना ऑफ़ नहीं है, सारी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वाले जो हैं ये आपको 3500 रुपीज़ के ही मिल रहे थे। अच्छा, ये जो है ये इनका मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था, ये 7500 रुपीज़, मतलब 7500 रुपीज़ का आपको मिल रहा था, 7500 रुपीज़ के ये थ्री पीस थे, जिसमें आप लोगों को साइज़ मिल जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दोनों का कलर, तो मैंने कहा आप लोगों को इनका पूरा लुक दिखा दूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस चीज़ की देखना चाहते हैं, और मैं किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो आपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी मुझे बताना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में,
शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके खाटी की सेल से। तो मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।